सोना स्टूडेंट्स लेट मी गिव यू अ वेरी हाई लेवल कंपेरिजन ऑफ गूगल एडवर्ड्स एंड फेसबुक एड्स इससे मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं मेन शेयर होल्डर हैं एक हमारा फेसबुक है यानी फेसबुक के एड्स हैं और एक हमारा गूगल के एडवर्ड्स हैं ये दोनों हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं तो दोनों को हम अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जो गूगल एडवर्ड है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पे पर क्लिक एडवरटाइज प्लेटफॉर्म मतलब इसका यह है कि जो हम लोग गूगल एडवर्ड यूज कर रहे होते हैं उस पर एक एडवर्टाइजर है यानी एक कंपनी है आसान लफ्ज़ों में एक कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट को आसान लफ्ज़ों में गूगल के पास जाके रजिस्टर करवा देती है और जो गूगल है उसको सर्च इंजन पे डालने के लिए कुछ पैसे जो कंपनी है जो एडवर्टाइजर है उससे चार्ज करती है आसान लफ्जों में तो एक तरफ एक एडवर्टाइजर है एक कंपनी है जो बेसिकली गूगल को पैसे पे कर रही है टू पब्लिश इट्स एड यानी वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है गूगल जो एडवर्टी जो एडवर्टाइजर है या जो कंपनी है जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो अपने सर्विस को एक एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में गूगल के पास लेके जाता है रजिस्टर करवाता है और गूगल उसको चार्ज करता है जब वो सर्च इंजन में डिस्प्ले होता है ये ये पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है कि जब मैं या आप सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च कर रहे होते हैं कोई कीवर्ड सर्च करते हैं स्पोर्ट्स को सर्च करते हैं लाल को सर्च करते हैं कॉमर्स e को सर्च करते हैं तो जो हमारे पास क्लिकेबल एड्स आ रहे होते हैं वो बेसिकली गूगल एडवर्ड्स होते हैं तो आसान लफ्जों में जब मैं या आप उन एड्स पे क्लिक करते हैं तो गूगल उस कंपनी को चार्ज करता है जो जिसने ये एड प्लेस किया होता है तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है ये काम कैसे करता है इसकी डिटेल्स हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे तो एडवर्ड्स बेसिकली हेल्प करता है कंपनीज़ को या बिजनेसिस को टू फाइंड न्यू कस्टमर्स नए कस्टमर्स को फाइंड करने के लिए जो एडवर्ड है वो हेल्प करता है कंपनीज uh, को एडवर्टाइजर्स को टू फाइंड द न्यू कस्टमर्स तो ये बेसिकली एक चीज है जो uh, जो गूगल का हाई लेवल एडवर्ड का हाई लेवल बिजनेस मॉडल है कि दे हेल्प टू फाइंड द न्यू कस्टमर्स अब हम आगे चलें अगर तो नेक्स्ट जो है दैट इज फेसबुक एड्स अब जो फेसबुक एड्स हैं इसको हम लोग आसान लफ्जों में बोलते हैं पेड सोशल मुराद के आसान लफ्जों में जो फेसबुक के एड्स हैं वो बेसिकली कंपनीज यानी इसका रेवेन्यू मॉडल यही है कि मेरे एक कंपनी है मैंने उस कंपनी के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑफर करना है और वो मैं कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहा हूं फर्क सिर्फ ये है कि फेसबुक के जरिए जो मेरा इंटरेस्ट है अब ये समझिएगा जरा जो मेरा इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है या मुझे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इंटरेस्ट है या मुझे टेक के इश्यूज में आ, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट है मोबाइल फोन में इंटरेस्ट है तो मुझे जो एडवर्टीजमेंट नजर आएंगे वो मेरे इंटरेस्ट के नजर आएंगे यानी जो एड्स फेसबुक एड्स मुझे नजर आ रहे होंगे वो सारे नजर नहीं आ रहे होंगे वो मेरे इंटरेस्ट के यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि फेसबुक को पता है कि विद आई लाइक एंड विथ थिंग आई डोंट लाइक तो जो एडवर्टाइजर है जो कंपनी है जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है तो मुझे फिर सारे एड्स नहीं नजर आ रहे होंगे तो आसान लफ्जों में यूजर फेसबुक एड के जरिए नए बिजनेस तक सक पहुंच सकता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अब आप गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक को दोनों को कंपेयर करें तो फेसबुक के जरिए मैं एज अ यूजर कंपनी तक पहुंच रहा हूं जो मेरे इंटरेस्ट की है दैट्स वन थिंग गूगल एडवर्ड है दैट इज रिवर्स उसमें कंपनी यानी एडवर्टाइजर मेरे तक एज अ यूजर पहुंच रहा है टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट रेवेन्यू मॉडल में भी डिफरेंट लेकिन दोनों केसेस में जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है उसको एडवर्ड वाले चार्ज कर रहे हैं फेसबुक वाले चार्ज कर रहे हैं फर्क सिर्फ यह है कि मैं एज अ यूजर मेरे लिए दोनों सर्विस फ्री हैं, यानी जब हम गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर सर्फिंग कर रहे होते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच क्लिक माई माइंड इज के फेसबुक चल कैसे रहा है गूगल चल कैसे रहा है ये कंपनी कैसे चल रही है अगर ना ईमेल बनाने का वो चार्ज कर रही हैं ना सर्च इंजन पे सर्च करने का वो चार्ज कर रही हैं ना फेसबुक पे लॉग इन करने का वो चार्ज कर रही हैं तो ये कमरीज चल कैसे रही हैं कम्पनीज एक्चुअली एड एडवर्टीजमेंट के जरिए चल रही होती हैं एड्स के जरिए चल रही होती हैं वो एज अ यूजर मुझे और आपसे तो पैसे चार्ज नहीं कर रहे होते लेकिन जो हम सर्फिंग कर रहे होते हैं ना इंटरनेट के ऊपर जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं उसको बेसिकली सेल कर रहे होते हैं यानी क्लिक्स को सेल कर रहे होते हैं मॉडल चाहे डिफरेंट है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजर्स यानी जो कंपनी है उन लोग के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू मार्केट देयर प्रोडक्ट टू रीच आउट टू टू रीच आउट टू बिलियंस ऑफ पीपल अब आप देखें फेसबुक के ऊपर टोटल अराउंड एज वी स्पीक 1.2 या 1.3 बिलियन यूजर्स हैं और दुनिया में अराउंड 40 या 45 परसेंट पॉपुलेशन इंटरनेट के ऊपर है और गूगल के ऊपर डेली बिलियंस सर्चेज होती हैं मतलब मोर देन बिलियंस सर्चेज होती हैं तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग रीच आउट कर सकते हैं या कंपनीज रीच आउट कर सकती हैं यूजर्स को यूजर को रीच आउट कर सकती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सके